गोड्डा के पोडोया हाट में स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त दावे की पोल खुल गई है। देवदाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल बना तबेला, 30 महिला मरीजों के लिए अस्पताल तैयार नहीं। ऑपरेशन के लिए आई महिलाओं को नहीं मिला बेड। अस्पताल में की गई पुआल की व्यवस्था, ऐसी तैयारी में कैसे निपटेंगे कोरोना से? झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के संभावित खतरे को लेकर तैयार है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी होने का दावा किया गया, लेकिन गोड्डा के पोड़ैया हाट प्रखंड के देवदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इन तस्वीरों को देखकर आप खुद जान जाएंगे कि आपात स्थिति से निपटने के लिए कितनी और कैसी तैयारी है। पुआल से भरा ये कमरा कोई तबेला नहीं जहां जानवरों को बांधा जाए, बल्कि यहां बंध्याकरण का ऑपरेशन कराने आई 30 महिलाओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल की अव्यवस्था का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि सभी को अपने बिस्तर और ठंड से बचने के लिए कंबल की व्यवस्था खुद से करने को कहा गया है, जिसके बाद अस्पताल के इस कमरे का ये हाल देखने को मिल रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से ANM अंबिका कुमारी ने बताया कि उनके पास महज 8 बिट है। पिछले साल भी ऐसे ही ऑपरेशन कैंप लगा था और इस बार भी वही व्यवस्था है। हम लोग के पास बेड यहाँ पे कम है ना, इसलिए 25 का। और कितना का उम्मीद है आज होने का? 25-30 तक हो सकता है। बेड कितने हैं हॉस्पिटल के पास? बेड अभी 8 बेड है। 8 बेड हैं? 8 बेड एक भी लगा हुआ कहाँ है? आइए, बेड हम लोग निकाल दिए हैं हम लोग, क्योंकि पूरा नहीं होता इस वजह से। तो इस तरह पुआल बिछाने की अनुमति किसने दी इन लोगों को, ग्रामीणों को? अनुमति यहाँ पे वैसे ही मतलब शुरू से ऐसा ही होता रहा है। हालांकि उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने कॉल करने पर बेड की सुविधा न मिलने को गलत बताते हुए जल्द सभी सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। देखने वाली बात यह होगी कि महिला मरीजों को कोई सुविधा मिलती है या यूं ही इस बार भी उन्हें खुद से सारी व्यवस्था करनी होगी। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए गोड्डा से अजीत सिंह की रिपोर्ट।